मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमारा लेसन चल रहा है ये बुलबुल वाला, इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आप पेज 52 पर देख सकते हैं अपनी बुक में, यहाँ पर भी आप देखिए तो ये पेज 52 पर है ये एक्सरसाइज, है ना। इसमें पहले लिखा है पहचानो, ये तीन चीज़ें बनी हुई हैं, तीन जानवरों के चित्र बने हुए हैं, दो पक्षी हैं, एक एनिमल है। इसमें से आपको पहचानना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें से पहचानो कि बुलबुल कौन सी है और उसके चित्र के ऊपर आपको गोला लगाना है। तो बच्चों एक तो ये क्रो सा दिख रहा है, ये गिलहरी है, तो ये दोनों ही बुलबुल नहीं है। और ये जो है तीसरा चित्र सबसे पहले वाला, ये बुलबुल का है, इसके ऊपर हमने एक गोला लगा रखा है। ये हमने कैसे पहचाना, इन्होंने पूछा है कि आपने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो हमने लिखा इसके, इन्होंने शुरुआत कर रखी है उत्तर लिखने की, मैंने बुलबुल को पहचाना, ये लिखा हुआ है। कैसे पहचाना, क्योंकि पाठ में हमने पढ़ा था कि बुलबुल की पूंछ का नीचे का हिस्सा लाल होता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, इसकी बुलबुल की पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल है, इसके सिर का रंग काला होता है। तो चित्र में आप देखो कि इसके सिर का रंग काला है और बाकी शरीर भूरा है। तो इस तरह हम इस बुलबुल को पहचान सकते हैं कि इसका पूंछ का नीचे वाला, एक सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही है कि पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल है, इसका सिर का रंग काला है और इसका बाकी शरीर भूरे रंग का है। इस तरह हम बुलबुल को पहचान सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों सिपाही बुलबुल, नीचे इसके लिखा है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है यार। ऐसे ही कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। बच्चों आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें पक्षियों के नाम भी लिखने हैं। देखो दो पक्षियों के नाम की जगह बनी हुई है, पक्षी और कलगी का रंग। तो इसको मैंने भर दिया है। इसमें पहला पक्षी, ये मैंने पाठ पढ़ाते समय भी बताया था कि पहला पक्षी मुर्गा है और इसकी कलगी का रंग लाल होता है। और दूसरा जो है बताया था मोर, तो मोर जो है इसकी कलगी का रंग गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू कलर की इसकी कलगी होती है। बच्चों इसमें एक और प्रश्न मैं समझा देती हूँ। इसमें लिखने को आपको कॉपी में कुछ मत लिखना बेटा, इसको बुक में ही भर लेना। जैसे मैंने फिल किया है बुलबुल पे गोला लगा देना, और जिस तरह मैंने फिल किया है उसी तरह इसको फिल कर देना। और ये भी मुर्गा लाल, मोर और गहरा नीला, ये भी आप अपनी बुक में ही भर लेना। एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको मैं सिर्फ समझा देती हूँ, उसमें लिखना कुछ नहीं है। ये अगले पेज पर है, पेज 53 पर, ये पेज 53 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। कलगी वाली बुलबुल को, ये पूछा है इन्होंने, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। ये अंडरलाइन किया मैंने क्वेश्चन, तो इसको मैं समझा रही हूँ आपको कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहा जाता है। बच्चों जो कलगी वाली बुलबुल होती है, तो ये बताया जाता है कि उसकी गर्दन के आसपास लाल निशान होते हैं, और कान के आसपास और गर्दन के लाल लाल निशान होते हैं। तो लाल निशान जो है वो त्याग का और बलिदान का, हिम्मत और बहादुरी का रंग माना जाता है। तो इसलिए इस बुलबुल को जो कवि लोग हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं कि ये बुलबुल बड़ी हिम्मत वाली है, इसलिए इसको बहादुर बुलबुल है। मतलब इसके कान के और गर्दन के आसपास लाल लाल निशान हैं, तो इस लाल निशान को बहादुरी का वो माना जाता है निशान, की बहादुर बुलबुल है, इसलिए इसको सिपाही बुलबुल कहा जाता है। बच्चों आज का इतना ही काम है, आप ये भर लेंगे अपनी उसमें, ये वाला काम भर लेंगे अपनी बुक में, बुलबुल की पहचान और उसका वो नीचे कलगी वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए समझाया, इसमें कुछ लिखना नहीं है। थैंक यू बच्चों, ओके।